आपकी जर्नी कैसे रही, लाइक आपको कैसे पता चला कि आपको आईआईटी में जाना है, आपको जेईई फाइट करना है, और उसके बाद में ये जो आईआईटी से आपके यूट्यूब एक अच्छा, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनने का सफर था, ये कैसे आपने तय किया सर? ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी ये पहले से भी जानना चाह रही थी कि कैसा, मतलब शुरू से कैसा क्या रहा, और उसमें आपको कुछ और चैलेंजेस के बारे में भी पता चलेगा और कहीं ना कहीं सारी चीजें लिंकअप हो जाएंगी। तो देखिए, मैं अभी तो लगता है कि हाँ भाई यूट्यूबर है, आईआईटी ग्रेजुएशन किया, ये सब वो ये सबको पता है, उससे पहले का किसी को भी नहीं पता है। उससे पहले जब मैं अपने स्कूल के टाइम में था, उस टाइम पर कुछ भी दिमाग में नहीं था कि हमको आईआईटी में जाना है। आईआईटी का मुझे नाम भी नहीं पता था कि आईआईटी करके भी कुछ होता है ना। और कहीं ना कहीं गांव के स्कूल में ही पढ़ता था, अपने नॉर्मल जो एक ऐसा स्कूल जिसमें हम लोग, मैं 8th क्लास तक भी नीचे बैठ के ही पढ़ता था, जैसे जो दरी पट्टी होती है उस पर बैठ के पढ़ते थे एकदम नॉर्मली। कि हाँ ऐसा कुछ, अब आप समझ सकते हैं कि वहां रह के बहुत बड़े सपने देखना भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता बेसिकली। तो वहां पर 8th क्लास तक ऐसा था। उसके बाद में फिर मैंने, जब मेरा स्कूल कंप्लीट हो गया वहां से, तो मैंने दूसरे स्कूल में ज्वाइन किया, और वहां जाकर के फिर थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बना कि हाँ यार कुछ तो अपन जिंदगी में कर सकते हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्शियस भी हो गया अपने करियर के लिए कि शायद कुछ करना है। सोचा कि यूपीएससी कर लेंगे या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब। अपने इंडिया में आपको पता है कि हर कोई यही सोचता है कि हम गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, चीज बहुत अच्छी है, ऑप्शन करियर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वही बात है ना कि उससे अपन खुद भी सेटिस्फाइड और हैप्पी भी होने चाहिए उस चीज से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं उस चीज को कर सकता हूँ, बट शायद इससे बढ़िया, इससे बेटर ऑप्शन मेरे लिए दूसरा भी हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं एक ऐसा काम जिसको मैं खुद ही करूं, और उसको आगे कैसे लेके जाना है इसका पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर हो, कोई भी चीज को जीरो से स्टार्ट करके बड़ा बनाना बेसिकली। और उस चीज में YouTube मुझे, मतलब इतना बेस्ट ऑप्शन मिल गया, मुझे नहीं लगता था कि इसके अलावा और दूसरा ऑप्शन उस कैरियर के उस फेज में। कॉलेज टाइम में एक बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई कंपनी स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन YouTube एक ऐसी चीज है, क्योंकि उस टाइम ना तो इन्वेस्टमेंट होता है, ना हमारे पास इतना पैसा होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद में, कि अपने पास कोई करोड़ों में पैसा तो है नहीं कि हम उसको लगा देंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर कोई अपने को खास इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ अपने स्किल्स दिखाने। तो इस तरीके से वहां से शुरू करके और धीरे धीरे फिर जो है YouTube की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर आप IIT की बात करें तो 10th क्लास के बाद में थोड़ा सा मैं 10th क्लास मेरी जब पास हो गई, उसके बाद में मैंने 11th क्लास ज्वाइन कर ली। मैं स्कूल भी चला गया, कुछ दिन मैं स्कूल चला गया, मैं वहीं पे लोकल स्कूल में। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो जो है कुछ लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि IIT वगैरह ऐसा होता है। कुछ लोग हमारी क्लास से चले भी गए थे कुछ कोचिंग वगैरह के लिए, क्योंकि आपको पता है कि IIT का एग्जाम अगर क्रैक करना है तो स्कूल से पढ़ के करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वो इतना इजीली तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो तब जा करके थोड़ा सा एक दिमाग में बैठा कि अपने को यहाँ से करना थोड़ा मुश्किल है, तो शायद इसके लिए कोई अपन बेटर इंस्टीट्यूट या फिर कोई कोचिंग अपन ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने पापा को बोला घर आके। स्कूल मैंने लगभग, मैं 10-15 दिन में स्कूल चला गया था, स्कूल को मतलब स्कूल में 10-15 दिन गया। उसके बाद में मैंने पापा को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद IIT के लिए एक ट्राई कर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे लगा था ठीक है, अगर अपन उसकी तैयारी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे वहां से, बस ये सोच के मैं कोटा चला गया। और वहाँ कोटा मैंने 2 साल तक प्रिपरेशन करी जेई की, एंड 12th के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद IIT में जो है, मैंने आपको यूट्यूब का जो जर्नी है वो बता ही दिया है। तो कुछ इस तरीके से जो है ऊपर नीचे चल रहा है सब कुछ। बाकी जाकर कैसा है कि हाँ अब सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कि ठीक है, अभी जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है, जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है। वाओ सर, दैट वाज इंस्पिरेशनल। और मतलब